मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरण पादुका चित्रकूट से अयोध्या के लिए आज चित्रकूट के साधु संतों ने पूजा पाठ करके चित्रकूट में यात्रा भी प्रभु राम की याद में निकाला है। कहते हैं कि भगवान राम जब चित्रकूट में 11.5 वर्ष के वनवास काल में चित्रकूट आए हुए थे, उस वक्त भगवान राम के साथ माता सीता और छोटे भ्राता लक्ष्मण भी आए थे। तभी से चित्रकूट को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है और चित्रकूट की पावन धरती से आज भगवान राम के चरण पादुका अयोध्या के लिए जा रहे हैं। चरण पादुका का महत्व आखिर क्या है? भगवान राम के चरण पादुका का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि जब भगवान राम चित्रकूट के 11.5 वर्ष के वनवास काल में थे, तब अयोध्या से भाई भरत चित्रकूट में पहुंचकर भगवान राम को मना रहे थे कि अयोध्या वापस हो जाइए, लेकिन प्रभु राम ने अपने भाई भरत को मना कर दिया था अयोध्या जाने से। तभी प्रभु राम के भाई भरत ने प्रभु राम से कहा कि आप अपने चरण पादुका दे दीजिए ताकि वहाँ पर अयोध्या में राजपाट चल सके, क्योंकि अयोध्या में राजा दशरथ की मौत हो जाने के बाद जिम्मेदारी बड़े भ्राता प्रभु राम को देनी थी। तभी भाई भरत ने प्रभु राम के बिना किसी को राजपाट नहीं दे सकते थे। भाई भरत ने प्रभु राम से तभी कहा था अपने आप चरण पादुका दे दीजिए, चरण पादुका राजाभिषेक करके रख दिया जाएगा अयोध्या में। चित्रकूट से भरत जी भगवान राम के चरण अयोध्या में ले जा करके पूजा पाठ किया था, इसलिए पावन धरती से प्रभु राम के चरण पादुका का अयोध्या के लिए प्रस्थान हुए, इसलिए महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। चित्रकूट के साधु संतों ने निर्मोही अखाड़ा से होते हुए चित्रकूट के कई मंदिर स्थलों में पहुंचकर ढोल मंजीरों के साथ प्रभु राम को याद किया है और चित्रकूट के लिए बेहद खुशी की बात है। आज हमारे चित्रकूट एवं सनातन धर्मियों के बड़े सौभाग्य का विषय है कि चरण पादुकाओं का यहाँ से पूजन हुआ और अयोध्या जाएंगी। ये परंपरा पूर्व से है, भरत जी महाराज जो है यहीं से चरण पादुकाएँ चित्रकूट से लेकर गए हैं और अयोध्या में 14 वर्ष वही चरण पादुकाओं के संचालन में ही अयोध्या का राज और सरकार चली हुई। इसलिए चित्रकूट से चरण पादुका पूजित होकर जाना एक हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और शुभ सूचक है। इससे आज यहाँ से पूजन हुआ और अयोध्या जाएंगी, सभी संतों में यहाँ के भक्तों में बड़ी मतलब खुशी और आनंद का मतलब अनुभव कर रहे हैं, हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। यही हम लोगों की कामना है कि बहुत जल्दी भगवान श्री सीताराम जी जो है दिव्य भवन में विराजमान होंगे और इन्हीं पादुकाओं का हम लोग पूजन वहाँ भी जाकर करेंगे। कितने दिन पहुँच जाएंगे अयोध्या? अब ये देखिए, अब ये पूजा तीर्थों में और भक्तों के यहाँ पूजन करते हुए धीरे धीरे सब समय हफ्ता एकाध हफ्ते मुझे लगता है लगेगा, जो है एकाध हफ्ते समय लग जाएगा पहुँचने में। लेकिन पहले पूजा चित्रकूट से हुई है? हाँ, प्रथम पूजा यहाँ चित्रकूट निर्मोही अखाड़ा से ही प्रारंभ हुई। हमारे संत महंत भक्त और सारे संगठनों के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जिसमें महंत श्री दिव्य जीवन दास जी महाराज दिगंबर अखाड़ा से, महंत श्री दीनदयाल दास जी महाराज निर्मोही अखाड़ा से और अन्यान्य समस्त सख्त भक्त और संत इकट्ठा होकर के पादुकाओं का पूजन किया, स्वागत किया, सम्मान किया और विदाई किया। जय श्री सीताराम।